नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में। इसके अंतर्गत सभी भूमिधारकों यानी भूमि स्वामी जितने भी और वन पट्टाधारी जितने भी किसान भाई हैं, उन सभी को जो है प्रति एकड़ के हिसाब से 9,000 रुपये जो है मिलने वाले हैं। तो कहाँ मिलने वाले हैं, कैसे मिलने वाले, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूँगी, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाएं, लेकिन अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जैसे किसान भाइयों, आपको पता होगा कि जो धान, मक्का, कोडोकुटी, अरहर, सोयाबीन और गन्ना की जो फसलें हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में स्कीम लागू हुई है। जो सरकार है, जो राज्य सरकार है छत्तीसगढ़ की, उसने जो घोषणा की है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो है उन सभी किसानों को जिनके पास भूमि है, वन पट्टा है, उनको जो है धान, मक्का, कोडोकुटकी, अरहर, सोयाबीन और गन्ना की फसलों पर जो है प्रति एकड़ के हिसाब से 9,000 रुपये जो है सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको राजीव गांधी किसान न्याय योजना का जो वेबसाइट है उस पर जाकर आपको जो है पंजीयन अपना करना होगा। तो अगर आप पंजीयन कर लेते हैं तो पंजीयन की जो डेट है वो 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक है। इसके तहत आपको जो अपना पंजीकरण जो है आप करना होगा आपको, और उसको करने के बाद जो सरकार आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 9,000 रुपये जो है देने वाली है। और साथ ही इसके साथ ही एक और है कि जिन भाइयों ने पिछली साल धान लगाया था और उसी पट्टे पर यानी उसी रकबे पर आप बोल सकते हैं, उसी रकबे पर अगर आप धान की बजाय दलहन, तिलहन, केला, पपीता, सुगंधित धान या फिर पौधारोपण अगर आप करते हैं तो आपको जो है 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जो है दिए जाएंगे। और अगर आप पौधारोपण अगर आप इस स्कीम के तहत करेंगे तो आपको 3 साल तक लगातार जो है अनुदान इसका मिलने वाला है। तो ये थी पूरी योजना। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। ये जो योजना है ये स्पेशल छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए और किसी राज्य में मेरे ख्याल से अभी तो कोई अपडेट नहीं आई है। हाँ, अगर किसी राज्य में पहले से ही लागू है तो वो भाई भी जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हमको इसकी जानकारी मिल सके। और साथ ही सभी किसान भाई जो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक आपको इसका पंजीयन करना है। और जो वेबसाइट है वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम से है, आप जाकर जो उस पर जो है अपना पंजीयन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं कामना करता हूं कि आपका आज का दिन शुभ हो और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।